हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट राइस ब्रान ऑल इन वन क्लेंजर। तो मेरी व्यूअर हैं अवनीत कौर जी, तो उनके स्पेशल रिक्वेस्ट से ये मैं वीडियो कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और अगर हम पैकेजिंग से स्टार्ट करें तो ये आता है ये एक प्लास्टिक के बॉटल में। ये है एक 145 ml प्रोडक्ट और इसकी कॉस्ट है ₹690। तो ये ऊपर अगर आप देखें तो ये एक डिस्पेंसर है, और आई वुड से दिस इज़ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। और इसका रीज़न है ये यहाँ पे ना एक छोटी सी कैप आती है जो आप खींचें, उसके बाद ही अगर आप इसको नीचे करें तो ये डिस्पेंस होगा। अगर ये कैप इन प्लेस है तो ये बिल्कुल नहीं चलता। इनफैक्ट मुझे काफ़ी टाइम लगा था फिगर आउट करने के लिए कि इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसीलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ। तो हम पहले पढ़ते हैं कि इसके क्लेम्स क्या है। तो इस पर इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शंस हैं और कोरियन में भी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहाँ लिखा है राइस ब्रान ऑल इन वन क्लेंजर, एक्सफोलिएटर प्लस फेशियल क्लेंजर प्लस मेकअप रिमूवर इन वन। दिस इज एन ऑल इन वन फेशियल क्लेंजर, इफेक्टिवली रिमूव्स मेकअप एंड डेड स्किन सेल्स, सो देर इज नो नीड टू डबल क्लेंज। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये एक ब्राउन कलर का प्रोडक्ट है, तो ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। अगर आप देखें ये ब्राउन कलर का रनीश है, और इसमें अगर आप देखें छोटे छोटे बीड्स हैं जो एक्सफोलिएशन के काम आते हैं, तो रनी है। और ये बेसिकली एक क्लेंजर काम और एक्सफोलिएटर और मेकअप रिमूवर ज़्यादा है। तो अभी मैंने जैसे अपने फेस पे मेकअप किया है, आप देखिए मेरा आई मेकअप थोड़ा हैवी है, मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैंने ब्लश लगाया है और मैंने फाउंडेशन पहना है। तो एनी टाइम अगर मैं ऐसा मेकअप कर रही हूँ तो जनरली मुझे ये मेकअप अगर उतारना है तो मुझे डबल क्लेंस करना पड़ेगा। डबल क्लेंस मतलब क्या है? तो सबसे पहले मोस्टली आई मेकअप जो होता है वो आजकल वाटरप्रूफ होता है, तो आपको एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर, ऑयल बेस्ड मिसेलर वाटर या ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर लगता है, या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें। तो पहले उससे आपको आई मेकअप निकालना होता है, और उसके बाद आप एक नॉर्मल फेस वॉश से सेकेंड टाइम धो देते हैं। तो ये टू स्टेप्स में होता है। मैं एक अलग वीडियो करूँगी जहाँ मैं आपको दिखाऊँगी कि डबल क्लेंस कैसे होता है। तो ये क्या क्लेम करता है कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको डबल क्लेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई किया है। मेकअप डेफिनेटली इससे काफ़ी हद तक जाता है, लेकिन पूरा नहीं जाता। तो डबल क्लेंस आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी करना ही पड़ेगा, और अदरवाइज़ ऑल्सो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि डबल क्लेंस करना चाहिए, क्योंकि ऑयल से एक जो मेकअप निकलता है आजकल, जो यू नो वाटरप्रूफ मेकअप है, वो किसी और चीज़ से नहीं निकलता। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है एक्सफोलिएशन के लिए स्पेशली, दिस इज़ वेरी गुड। आपके स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं वो ये बहुत इफ़ेक्टिवली निकालता है। ये मैं हफ्ते में दो बार यूज़ करती हूँ। ये मैं रोज़ यूज़ करना रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये जो है ना ये एक एक्सफोलिएशन का प्रोडक्ट है, और इसमें जो बीड्स हैं वो एक्सफोलिएशन के लिए हैं। और अगर आप किसी भी बीड से ऐसे स्किन पे आप कॉन्स्टेंटली ये करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी हार्श हो जाता है। इनफैक्ट अमेरिका में ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अगर बीड्स हैं तो वो बैंड है, तो देर इज़ अ रीज़न कि वो बैंड है। ऑफकोर्स कोरिया और इंडिया में ये चलता है, तो इसीलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये जेंटल है, बट देखिए ये एक डबल क्लेंस के कंपैरिजन में आपको दिया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कितना स्ट्रांग होगा। जेंटल है बिकॉज राइस ब्रान है और बाकी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ मेंट फॉर एक्सफोलिएशन, और एक एक्सफोलिएटर जो होता है वो ऑलमोस्ट स्क्रब जैसा होता है। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, लेकिन आई वुड से एक ड्रॉबैक है इसका, जिसके वजह से सेकेंड रीज़न के मैं इसको रोज़ रिकमेंड नहीं करती, इसमें थोड़ा अल्कोहल है, एंड अल्कोहल एवरी डे ऑन योर स्किन थोड़ा अच्छा नहीं होता।
तो इसीलिए हफ्ते में दो बार यूज़ करें। ये एक कॉन है और प्राइस इज़ डेफिनेटली 145 ml के लिए 690 थोड़ा महंगा हो जाता है। इसके चीपर ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं और नॉर्मल स्क्रब्स जो होते हैं दोज आर वेरी गुड, लेकिन ओवरऑल इट डज इट्स जॉब। कम्प्लीटली मेकअप नहीं उतारता लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उतार देता है। शायद नॉर्मल मिसलर वाटर्स जो नहीं कर सकते वो ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली करता है। एक्सफोलिएशन के लिए दिस इज़ अमेजिंग। आपके स्किन से डेड सेल्स हटा देता है और आपकी स्किन को काफ़ी क्लियर बनाता है। राइस ब्रांड की वजह से ये कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूविंग में काफ़ी हेल्प करता है। ओवरऑल दिस इज़ एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट। फेस शॉप के प्रोडक्ट्स मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हैं, इसलिए अगर आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी यूज़ किया है। बाकी जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका मैंने एक कोरियन स्किन केयर रूटीन किया हुआ है जो मैं नाइट टाइम में करती हूँ, मैं यहाँ पे उसको लिंक कर दूँगी ताकि आप वो भी देख सकें। बट ओवरऑल द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। इफ़ यू हैव द बजट मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी ये ट्राई करें। एक्सेलेंट एक्सफोलिएटर, अ वेरी गुड क्लेंजर, एंड फॉर द कॉस्ट आई थिंक इट डज इट्स जॉब। लिटिल एक्सपेंसिव बट डज इट्स जॉब। तो बस यही है मेरा लिटिल रिव्यू। अवनीत जी, होपफुली आपको आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं बहुत हैप्पीली उनको आंसर कर दूँगी। तो आपको होपफुली मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।